हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ा। लिमिट्स की थ्योरी हमने कंप्लीट की थी और क्वेश्चंस किए थे उस थ्योरी के ऊपर बेस्ड। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लिमिट के आगे जो नेक्स्ट सेक्शन आता है इसमें, वो है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टीन्यूटी में हम चेक करते हैं दैट अ गिवन फंक्शन is continuous। ये हमारा पहला पॉइंट होगा आज का जो हम चेक करेंगे। एंड सेकंड हम चेक करेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। आज के लेक्चर के सिर्फ ही दो पॉइंट ही रहने वाले हैं, हम सिर्फ दो ही कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन ये लेक्चर अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर से एक क्वेश्चन जेईई मेन में हर साल आता है। कॉन्टीन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन चार नंबर का पक्का होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, आता है। तो आप इसको ध्यान से सुने, सारे कॉन्सेप्ट ढंग से समझने की कोशिश करें। कॉन्टीन्यूटी को मैं स्टार्ट करते हुए एक फंक्शन कंसीडर करूंगा। लेट अस कंसीडर अ फंक्शन fx। fx एक ऐसा फंक्शन मैं कंसीडर करूंगा जिसका ग्राफ मान लो ऐसे है। ये फंक्शन का ग्राफ है, x के साथ वेरी करता है। पहला केस ये माना मैंने। दूसरा केस इसी ग्राफ का मैं कुछ ऐसे मानता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन यहाँ डिफाइंड नहीं है, इसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड है फंक्शन की, और इसके आगे कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ। थर्ड केस, फंक्शन का ग्राफ ऐसे है, यहाँ वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इधर भी डिफाइंड नहीं है, और इसके आगे फंक्शन ऐसे जा रहा है। ये मैंने अपनी मर्जी से जस्ट आपको थोड़ी सी थ्योरी समझाने के लिए केसेस कंसिडर की हैं, और वैल्यू मान लो यहाँ कहीं जाके डिफाइन कर दी। एक केस और लेते हैं, ये केस ले लिया मैंने, वैल्यू कहीं और डिफाइंड है। इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूँ, एक्स इक्वल टू ए के अराउंड हम बात करेंगे। यहाँ पर भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू ए, एंड लेट दिस इज एक्स इक्वल टू ए, लेट दिस वैल्यू इज एल एंड दिस वैल्यू इट इज एम, इट इज एल। ये सारी वैल्यूज मैं डिफाइन करके रखता हूँ ऑलरेडी, एल एम और एन इसको लिख लेते हैं, एल एम। बस ये चार ही हमारे पास केसेस बनेंगे। अब देखो, कल के लेक्चर में हमने लिमिट की थ्योरी पढ़ी, तो उस थ्योरी से मैं स्टार्ट करता हूँ। केस वन को आप चेक कीजिए। केस वन में ए के अराउंड में चेक करूँगा, ए के लेफ्ट से जैसे ही मूव करेंगे तो फंक्शन की जो लिमिट है वो एल को मूव कर रही है लेफ्ट साइड से, और जब मैं ए के राइट से मूव करता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू भी एल को टेंड करेगी। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स इज मूविंग टुवर्ड्स ए, चाहे लेफ्ट साइड से मूव करें या राइट साइड से, दोनों बराबर आती हैं। तो ऐसे लिख लेंगे इसको, राइट साइड से भी उतनी ही होती है फंक्शन की लिमिट, और ये कितनी है एल है। और अगर आप ध्यान देंगे, ये जो एल है ना, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन की, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी ए के ऊपर उतनी ही है। दिस इज़ वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज़ एफ ऑफ ए। तो मैं लिख सकता हूँ ये एफ ऑफ ए के बराबर है, ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन की यहाँ से। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में ए के लेफ्ट से जैसे मूव करें तो फंक्शन एल को अप्रोच करेगा, तो
तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव फंक्शन, ये हो जाएगा l, एंड सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, a के राइट साइड से फंक्शन कहाँ को टेंड किया, एफ एक्स इट इज इक्वल टू m। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये थ्योरी ऑलरेडी पता हो, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि आप इसको कंटिन्यू करें, ऐसे ही देखें, क्योंकि कुछ यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम कंक्लूड करेंगे जो क्वेश्चंस को करने में डायरेक्टली हेल्प करते हैं। केस थ्री को देखिए, हाँ केस टू में वैल्यू ऑफ फंक्शन भी मैं लिख लेता हूँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है एफ ऑफ ए, ए के ऊपर वो वैल्यू कितनी है, वो ये है, यहाँ पे एम है वो वैल्यू, वो एम है। ओके केस थ्री, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव, ये आ जाएगा फंक्शन की जो वैल्यू आएगी इट इज एल, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इट इज इक्वल टू एम, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट इट इज इक्वल टू एन। फोर्थ केस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स इट इज इक्वल टू ए नेगेटिव से मैं एल के ऊपर जाऊंगा और राइट साइड से भी वो यहीं आएंगे, तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स भी हुआ, लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कुछ और है, तो एफ ऑफ ए ये एम आ गया। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। देखो फर्स्ट केस में लेफ्ट साइड से फंक्शन एल को मूव किया, राइट साइड से भी वही मूव किया और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी वही है, मींस यहाँ पर फंक्शन में कहीं भी पॉइंट नहीं टूटा, कहीं भी ये फंक्शन का ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ, तो ये फंक्शन आ जाएगा कॉन्टिन्यूस आएगा, ग्राफ से भी दिख रहा है, लेकिन मैथमेटिकली हमने कैसे चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, मैथमेटिकली चेक करेंगे इस चीज़ से, अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ग्राफ से तो दिख ही रहा है ना, ग्राफ से तो एक ही लाइन है, और ये ग्राफ से दिख रहा है डिसकॉन्टिन्यूस है, लेकिन ग्राफ हमें क्वेश्चन में नहीं होता है, क्वेश्चन में तो फंक्शन की डेफिनेशन दी होती है, तो उसको यूज़ करके ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है ना, यहाँ पर गैप है, डिसकॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनी, यहाँ पर कंडीशन आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है एल, राइट हैंड लिमिट है एम और वैल्यू ऑफ फंक्शन एम है, मतलब इन ये यहाँ पर तो जो राइट जो लेफ्ट लिमिट जो राइट लिमिट है और वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो सेम है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो तीनों बराबर आने चाहिए, तीनों बराबर आएंगे तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा, और इस केस में भी ऐसा ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एल है, यहाँ पर तो कोई भी बराबर नहीं है तो ये भी डिसकॉन्टिन्यूस है। फोर्थ में आप देखें, फोर्थ में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, इस केस में कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लिमिट लेफ्ट और राइट से बराबर आ गई तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के बराबर जब होगा तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस माना जाएगा। और एक सिंपल सी डेफिनेशन ये बनती है, अगर फंक्शन का ग्राफ मेरे पास है और वो कंटिन्यूस तभी होगा जब उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या पेन ना उठाना पड़े, अगर एक ही फ्लो में उसका ग्राफ बन सकता है, बन जाता है तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन पेन उठा के पॉइंट कहीं और मूव कर रहे हैं हम, जैसे इधर यहाँ से यहाँ जंप है, तो वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ग्राफ से देखिए आप ऐसे पहचान करके, लेकिन मैथमेटिकली कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हमने ये निकाली, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इफ एट एक्स इक्वल टू ए, देख लेते हैं, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स ये राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो तब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। लिमिट निकालना तो हमने कल के लेक्चर में सीख ही लिया है, लिमिट निकालना ऑलरेडी सीखा है, आज
कल मैंने आपको बताया था कि लिमिट अगर आप सीख जाते हैं तो कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली कर पाएंगे। तो कॉन्टीन्यूटी का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, इतना आपको आता है और आपको सारी लिमिट्स निकालनी आती हैं, तो आप कॉन्टीन्यूटी का जैसा भी क्वेश्चन होगा उसको कर पाएंगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं कॉन्टीन्यूटी के क्लास असाइनमेंट से। कुछ क्वेश्चन कल हमने डिस्कस कर लिए थे लिमिट तक के, तो आज वहाँ से आगे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, ये है कॉन्टीन्यूटी और डिसकॉन्टीन्यूटी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो ए के ऊपर यहाँ पर मेरे पास चेक करना है, क्योंकि ए के ऊपर ही फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फंक्शन टूट रहा है ए के लेफ़्ट और राइट में। तो लेफ़्ट और राइट में मुझे इसकी लिमिट चेक करनी पड़ेगी और उसको वैल्यू फंक्शन के बराबर देखना पड़ेगा। अगर बराबर आते हैं तो कॉन्टीन्यूस होगा। लिमिट निकालना तो मैंने कल आपको सिखाया है, एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव देखते हैं एस एक्स। तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव। ए नेगेटिव में फंक्शन कैसा है, एक्स स्क्वायर बाय ए माइनस ए, ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पर कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी तो क्या करेंगे, डायरेक्टली हम एक्स की वैल्यू को पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर बाय ए माइनस ए, तो वैल्यू ज़ीरो आ गई। इसी तरह से अब मैं राइट की जो लिमिट होगी उसको सॉल्व नहीं करूँगा, यहीं से बताऊँगा। राइट हैंड लिमिट भी आप चेक कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे ना, क्योंकि क्या है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी, तो ए माइनस ए स्क्वायर बाई ए राइट हैंड की लिमिट है, तो ये भी ज़ीरो आता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ज़ीरो है, राइट हैंड लिमिट ज़ीरो है और फंक्शन की वैल्यू भी ज़ीरो है। तो अभी हमने देखा तीनों बराबर हो जाएँ तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एक्स इक्वल टू वन के ऊपर आपको कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। तो वन के ऊपर एफ ऑफ वन तो कितना है, टू है। लिमिट निकाल लेते हैं, किसी एक साइड निकालो लेफ्ट या राइट में, तो राइट साइड से चेक कर लेते हैं पहले। इसकी वन के ऊपर भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, लेफ़्ट और राइट में फंक्शन मेरे पास एक जैसा ही है, एक जैसा ही, तो मैं डायरेक्टली वन के ऊपर निकालता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्मेट है तो मैं इसको, वैसे तो कई सारे तरीके हैं फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, पर एल एच से जल्दी होता है तो एल एच लगाएंगे। टू एक्स माइनस फोर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ डिवाइडेड बाई टू एक्स। अब एक्स की वैल्यू वन पुट कर लो तो कितना आ गया, ये बन गया टू माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू विच इज़ माइनस वन, ये माइनस वन आया, ठीक है। तो वन पॉजिटिव लिमिट, टू नहीं है, ये भी थ्री नहीं है, वन आ रही, माइनस वन आ रही है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आता है वो क्या है, फिर ऑप्शन सी आएगा, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, यहाँ पर मुझे एक्स इक्वल टू जीरो के अराउंड कंटिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन सिंपल है, जीरो के ऊपर तो साइन एक्स बाय एक्स वन होगा, कॉस एक्स भी वन होगा, तो टू आ गया। तो फंक्शन की लिमिट क्या, टू होती है ना जीरो के लेफ्ट और राइट में, और फंक्शन की वैल्यू टू है तो कॉन्टीन्यूस आएगा। तो देखा अपने कॉन्टीन्यूटी के क्वेश्चन कैसे होते हैं, सेकेंड्स में होते हैं, सेकेंड्स में फ्री के चार नंबर होते हैं जेई में। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें देखो आप, पर हाँ यहाँ पे ब्रैकेट है, आपको ना लिमिट्स निकालने आनी चाहिए तभी आप कॉन्टीन्यूटी के क्वेश्चन इस तरह से कर पाएंगे। यहाँ पर एफ ऑफ जीरो कितना है, टू है। अब जीरो के लेफ्ट और राइट में लिमिट चेक करो, तो ये लिमिट क्या बनेगा, वन पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट बनेगा। तो डायरेक्टली वैसे तो मुझे इसका आंसर ई पावर टू यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन चलो आपके लिए सॉल्व करते हैं, ये बनेगा ई लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टू एक्स इन टू वन बाय एक्स। कल जो फार्मूला बताया था ना, ई लिमिट लिमिट ऑफ दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट इन टू एफ एक्स इन टू जी एक्स, कुछ वैसा था। तो आप पिछला लेक्चर देखिए, वहाँ से आपको डायरेक्टली समझ आएगा। तो ये ई टू हो गया, ठीक है। तो क्योंकि दोनों बराबर हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बराबर है और लिमिट भी बराबर है, तो इसको ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्टीन्यूस का क्या है, ऑप्शन नहीं है, जीरो पॉजिटिव ई नहीं, ये तो ई स्क्वायर आता है ना, तो ऑप्शन बी हमारा सही है, लेफ्ट और राइट से ई स्क्वायर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी देखो, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं, चलो मैं ही करा देता हूँ, 5-10 सेकंड तो लगेंगे क्वेश्चन को इसको करने में। तो पाई बाई टू के ऊपर ही हमें क्या, लिमिट चेक करनी। तो पाई बाई टू के लेफ्ट में कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है,
तो पाई बाय टू इंटू साइन पाई बाय टू, तो वन पाई बाय टू आया। और राइट में देखो, राइट में कितना आता है, अगेन इंडिटरमिनेट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, साइन पाई प्लस पाई बाय टू साइन थ्री पाई बाय टू, जो कि होता है माइनस वन, तो ये माइनस पाई बाय टू। लेफ्ट साइड से कुछ और, राइट साइड से कुछ और, तो ये तो पक्का डिसकॉन्टिन्यूस है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो इस तरह से क्वेश्चंस हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चलो ये भी करा देते हैं। हाँ, जो इस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, तो ये भी एक टाइप है जो पूछा जा रहा है आजकल, तो ये भी आपने प्रैक्टिस कर लेना है। होम असाइनमेंट में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सेम टाइप के। सबसे पहले वन के ऊपर चेक करना है ना मैंने, तो वन के लेफ्ट में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वन के लेफ्ट से लिमिट बन गई ए माइनस बी, एक्स की जगह वन पुट कर दिया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन टू है, एंड राइट लिमिट भी वन प्लस वन, ये टू ही बन गया जो कि सही आ रहा है, तो ए माइनस बी की वैल्यू टू होनी चाहिए। एक ही रिलेशन बना ना यहाँ से, तो देखते हैं ऑप्शन में, ए माइनस बी पहले में भी टू है, यहाँ पर भी वन माइनस, ये भी टू है, ये भी टू है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ए और बी की वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें इंफॉर्मेशन ना इस क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं थी, अगर कुछ और मेरे पास यहाँ पर सेकंड इक्वेशन भी बनती तो ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकाल सकते थे, पर क्योंकि दो अननोन्स हैं हमारे पास, तो दो कंडीशन चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए, तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ए और बी की मोस्ट सूटेबल वैल्यूज जो हो सकती हैं, तो ये सारी हो सकती हैं ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। हाँ, ए की वैल्यू पूछी है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ये है एफ ऑफ माइनस फाइव, और एफ ऑफ माइनस फाइव कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन से कितना होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस है, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव यहाँ पर लिखा है, एक्स टेंडिंग टू माइनस फाइव एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मैं निकालता हूँ, एफ ऑफ माइनस फाइव तो ए है, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस फाइव एफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ लिमिट निकालते हैं इसकी फंक्शन की, तो वो ए के बराबर आएगा। तो इसको तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं ना, एल एच लगा लें अगर, यहाँ पे जीरो बाय जीरो फॉर्मेट बन रहा है, हाँ, तो एल एच लगाते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ज़रा, एल एच लगाएंगे, टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड, अब एल एच हर जगह नहीं लगाना है, जीरो बाय जीरो फॉर्मेट चेक कर लो पहले, बनेगा तभी लगाना है, फैक्टराइजेशन से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, फैक्टराइजेशन कल पढ़ाया था उससे भी ये हो जाएगा, आप वो भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर में फैक्टर बन जाएंगे एक्स प्लस फाइव एंड एक्स माइनस टू, और यहाँ बनेंगे माइनस पंद्रह ना, एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस फाइव, तो एक्स प्लस टू कैंसिल होगा तो वैसे भी आ जाएगा, तो देख लो आपको जो सही लगता है, मैं यहाँ एल एच से कर रहा हूँ टू एक्स प्लस टू, अब x की वैल्यू माइनस फाइव पुट करेंगे तो माइनस टेन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस टेन प्लस टू, तो ये बनता है माइनस सेवन माइनस एट सेवन बाई एट, तो a की वैल्यू आ गई सेवन बाई एट, जो कि हमें ऑप्शन b दिख रहा है इस तरह से। तो कॉन्टीन्यूटी के काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, अब थोड़ा आपका भी यहाँ से बनता है, होम असाइनमेंट के क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ जो आप करेंगे खुद कॉन्टीन्यूटी के। देखो क्वेश्चन नंबर 14, 15, अगेन उसी टाइप का है, देख के आंसर लग रहा है इसका पता, डिसकॉन्टिन्यूस द पॉइंट, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे आपको निकालना है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, तो एक तो डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, और साथ में जहाँ पर, हाँ ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो बस वही जो पॉइंट आएगा तो वो हमारा आंसर होगा, आप देख लो कौन से पॉइंट पे ज़ीरो नहीं है, इसको ज़ीरो कर लो, सॉल्व कर लो, और यहाँ पर के की वैल्यू पूछी है तो लेफ्ट राइट को इक्वेट करो, ये भी यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लेना, लिमिट निकालो और बी की वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक थ्री ए स्क्वायर यहाँ से आ रहा है जो दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, एक्स की पुट करके यहाँ थ्री ए स्क्वायर आ गया, एक्स माइनस ए तो कट गया ना, और यहाँ पर के की वैल्यू टू बाय फाइव आ रही है, दिख रही है, कल लिमिट का क्वेश्चन कराया है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप करो। ठीक है, अब मैं अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो हमारा आज का नेक्स्ट मेन टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी।
इस टॉपिक को कवर करने के में जो हमारा मोटिव है वो ये है कि हमने सबसे पहले तो चेक करना है फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है, और अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो उस उसके अलावा और उस फंक्शन इस पॉइंट से हम क्या क्या चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जो पॉइंट्स डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ग्राफिकल ही मैं स्टार्ट करूँगा। जैसे ये कोई फंक्शन है, मैंने ग्राफ बना दिया अपनी मर्जी से एफ एक्स एंड एक्स, कोई पॉइंट है ए मेरे पास, ठीक है, ए के जस्ट लेफ्ट में मैं फंक्शन का डेरिवेटिव, ए के जस्ट लेफ्ट में, ए के जस्ट लेफ्ट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट ए माइनस एच जहाँ पर जो एच है ना इट इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा ए के जस्ट लेफ्ट में और ए के जस्ट राइट में, एक ऐसा पॉइंट जो है ए प्लस एच और एच अगेन 0 के क्लोज है, तो ये एफ डैश ए पॉजिटिव आ गया। जब ये दोनों चीज़ें बराबर आएंगी ना, मतलब एफ डैश ए नेगेटिव और एफ डैश ए पॉजिटिव, जब ये दोनों बराबर आ जाए, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव बराबर आ जाए तो क्या होगा, तो फंक्शन डिफरेंशियबल माना जाता है। अब लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव का मतलब क्या है ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। ग्राफ में मैं दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो डिफरेंट कलर्स के लिए मैं हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, ये कलर ठीक है। ये आपको पता है ना डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है किसी पॉइंट के ऊपर? डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनता है ना उसकी जो स्लोप होती है वो डेरिवेटिव हमें रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा ही है ना। ये एफ डैश ए की वैल्यू होती है ना डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, तो ए के जस्ट लेफ्ट में अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है ना, ए के जस्ट लेफ्ट में, तो वो क्या होगा, ए के जस्ट लेफ्ट में इस पॉइंट के ऊपर जो मैं टेंजेंट बनाऊंगा ना, जो मैं टेंजेंट बनाऊंगा ये उसकी स्लोप होगी ना, ये इस टेंजेंट की स्लोप होगी ये, और ए के जस्ट राइट में जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर अगर मैं जो टेंजेंट बनाऊंगा ठीक है, तो इसकी जो स्लोप आएगी वो एफ ए पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अब अगर ये दोनों स्लोप सेम आती है तो ये दोनों वैल्यूज़ भी सेम होंगी, और अगर सेम हुई तो फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। इसी पॉइंट को मैं फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ, एक ग्राफ देखते हैं, ऐसे ये ग्राफ है ठीक है, और मान लो ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए। अब ए के लेफ्ट और राइट में मैं क्या करूँगा, टेंजेंट ड्रॉ करके आपको बताऊँगा। ए के जस्ट लेफ्ट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसे आएगा, ये है, और ए के जस्ट राइट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो कुछ ऐसे आएगा। अब देखो ना, इसकी स्लोप M1 है, इसकी M2 है, बराबर नहीं है, ये देख ही रहा है ना, डिफरेंट लाइंस आई, पैरेलल भी नहीं है, पैरेलल होती तब भी हम मानते, तो बराबर नहीं है। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये पर्टिकुलर ग्राफ, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। इन पॉइंट्स को ग्राफिकली अगर हम समझ आते हैं तो फिर मैथमेटिकली कंडीशन खुद वहां से निकल आती है। तो अभी तक मैंने देखा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इफ स्लोप नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए की बात हो रही है, स्लोप इन नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ ए आर नॉट इक्वल। अगर ए के जस्ट लेफ्ट और राइट में वैल्यू ऑफ स्लोप सेम ना आए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ग्राफिकली इसको कैसे समझेंगे? ग्राफिकली अगर कभी ऐसा तब होगा ना जब आपके पास कहीं पे कोई शार्प एज आ जाए, शार्प एज का मतलब एक ऐसा ग्राफ बने जहाँ पर एक ऐसा कोई नुकीला कोना, ऐसा ऐसी चीज़ आपको दिख जाए, तो वहाँ पे तो टेंजेंट की वैल्यू डिफरेंट होएगी होएगी, है ना, डिफरेंट होगी, तो वो डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो वो सारे ग्राफ जिनमें ऐसे शार्प एजेस आते हैं वो उन पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशियबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मॉड एक्स का ग्राफ देखो आप, यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू 0 होती है तो इसके ऊपर एक शार्प एज जाता है, तो ये
डिफरेंशियबल नहीं होता एट x इक्वल टू जीरो। एक और ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ, मॉड ऑफ साइन x देखो आप, मॉड ऑफ साइन x, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पर शार्प एज बन रहे हैं वहाँ पर डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स कौन से हैं, एक्स इक्वल टू एन पाई, तो इन पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ डिफरेंशियबल नहीं होगा। यहाँ से एक ट्रिक भी मैं निकाल सकता हूँ, ट्रिक निकालने का तरीका क्या है, मॉड एक्स प्लस सम में यहाँ पे कुछ मान लो कोई दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये डिफरेंशियबल कहाँ नहीं होगा, जहाँ पर, क्योंकि मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन हो सकता है ना, हमने देखा इन दो पिछले क्वेश्चंस में मॉड के अंदर मॉड वाली जो वैल्यू हो जीरो जहाँ पे बनती है वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। यहाँ पर साइन एक्स जहाँ जहाँ जीरो बनता है ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इट इज़ नॉट डिफरेंशियबल एट, जहाँ पर एक्स प्लस जी एक्स ये इक्वेशन हमें जीरो देगी, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशियबल नहीं होगा, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है ये तो ठीक है ग्राफिकली, या मुझे जिन फंक्शन का ग्राफ की नॉलेज है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर ग्राफ का हमें पता नहीं है तो स्लोप निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे जैसे कॉन्टिन्यूटी में देखा था। तो मैथमेटिकल रिलेशन भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, मैथमेटिकली लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, ये मान लो ग्राफ है, ठीक है, एक्स की वैल्यू जब ए होगी तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस ग्राफ इन लेफ्ट ऑफ ए होगा ना। तो मान लो ए के जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट है ए माइनस एच, और ये वैल्यू है एफ ऑफ ए एंड दिस वैल्यू इज एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। तो स्लोप तो आपको पता ही है क्या होती है, y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन होती है ना, ए के जस्ट लेफ्ट में यही आएगी टेंजेंट की स्लोप। तो y2 की वैल्यू देख लो, y2 हमें मिलेंगे इन पॉइंट से, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाई ए माइनस एच, ठीक है, और साथ में कंडीशन लगा दी जहाँ पर h होना चाहिए बहुत छोटा, एच टेंडिंग टू जीरो। तो ये चीज़ क्या है, ये हमें क्या, ये हमें बताएगा, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये बन जाएगा एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये वैल्यू है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की एट एक्स इक्वल टू ए। इसी तरह से हम राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी लिख सकते हैं ए के ऊपर, वो क्या होगी, वो होगी इस पॉइंट की स्लोप ना, अगर ये वाला एफ ऑफ ए प्लस एच है एंड लेट दिस पॉइंट इज ए प्लस एच, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए ये कितना आएगा, अगेन वाई टू माइनस वाई वन कॉन्सेप्ट मैंने लगाया एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए, तो एच आएगा, साथ में कंडीशन लगी है एच के ऊपर कि ये बहुत छोटा होना चाहिए टेंडिंग टू जीरो। तो ये जो मैंने अभी आपको दो रिजल्ट बताए कौन कौन से, दिस डिराइव करके भी बताया इसीलिए कि भूले ना, ग्राफ से लिंक भी करके यहाँ पे आपको दिखाया, तो ये आपने याद रखने, और डायरेक्टली लिमिट निकालना तो आपको आता है ना, तो बस आगे तो फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, लिमिट निकालना अच्छे से सिखाया है। अब आप डिफरेंशियबिलिटी के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं सारे के सारे, सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट। देखो असाइनमेंट के ऊपर वापस आते हैं, कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं, डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन अब यहाँ से ढूंढते हैं और करते हैं उनको। सबसे पहले तो ग्राफ का कंसेप्ट पढ़े, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कोई। हाँ 22, मैंने आपको बताया कि मॉडुलस के अंदर जब ज़ीरो बन जाए, जब ज़ीरो बन जाए तो वो डिफरेंशियबल नहीं होगा, तो मॉड एक्स इक्वल टू वन
और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है। अब एक मॉडुलस इसके ये भी तो अंदर है ना, तो ये कब होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो, ये भी नहीं होना चाहिए ना साथ में, तो जीरो एंड प्लस माइनस वन ऑप्शन बी। ग्राफ बना के आपके लिए खुद होमवर्क है, इसका ग्राफ खुद बना के चेक कीजिए आप। इसमें तीन एज आते हैं, एक आता है जीरो के ऊपर और एक आता है वन एंड माइनस वन के ऊपर, तो इस तरह से तीन एज हमें इसके देखने को मिलेंगे। ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इतना मैंने आपको बता दिया कि इसमें तीन एज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सिंपल है ना, इसमें कुछ नहीं है। मॉड एक्स से पहले एक घटा दो ना, फिर पूरे का मॉड ले लो। मॉड एक्स से एक घटाएंगे तो वैल्यू जीरो के ऊपर वैल्यू माइनस वन होगी, उस पूरे का जब वो करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। चलो कोई नहीं, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तीन यहाँ पर एजेस आए मेरे पास, जीरो के ऊपर वैल्यू कितनी वन है, ठीक है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। 23 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो ये है, ये टर्म इसका बहुत बार मैंने यूज़ देखा है डिफरेंट चैप्टर्स में, अलग अलग, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका यूज़ दिख जाता है, कभी सीक्वेंस एंड सीरीज में, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये जो 2x प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये क्या होता है, 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर में भी ये टर्म आती है, तो वहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर रिलेट करूँगा, अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन। 1 और x का अर्थमेटिक मीन लेके देखते हैं क्या होता है, जिन बच्चों को पता है वो यहाँ से खुद से आगे ट्राई कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो देख लो। ये हमेशा इनके ज्योमेट्रिक मीन से जो है कितना होगा, 1 और एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2x, और वी कैन राइट फ्रॉम हेयर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखो ऐसे ही, मीन्स ये जो दो तीन स्टेप मैंने यहाँ पे किए ना, पेपर में ये करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, जब भी ये चीज़ दिख जाए तो पता होना चाहिए कि हमेशा एक से बड़ा रहेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, और साइन इनवर्स की जो के अंदर जो वैल्यू हो सकती है, साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स वैल्यूज़ ले सकता है वो माइनस वन और 1 के बीच में ही हो सकती है ना, इसकी डोमेन ही माइनस वन से 1 तक है, और ये जो फंक्शन है ये 1 से तो क्या है बड़ा ही रहेगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि इस केस में ये जो वाई है तभी डिफाइंड होगा जब हमारे पास 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, और जब 1 हो तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू वहाँ से आएगी पाई बाई 2 आएगी, ठीक है। 1 एंड पाई बाई 2 एक पॉइंट मिल गया मुझे इस वाई का, इस ग्राफ का। अब एक दूसरी चीज़ भी यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं ना, ये तो था पॉजिटिव एक्स के लिए, जब एक्स क्या है पॉजिटिव है, लेकिन एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस हो सकता है ना, तो उस केस में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो उस केस में जो इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब ये एक्चुअली मॉडुलस की बात हो रही है, तो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस वन भी हो सकती है, मतलब ये बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, ये अगर x नेगेटिव है तो उस नेगेटिव x के लिए माइनस वन से हमेशा ही छोटा रहेगा, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव नंबर में माइनस का मतलब क्या होता है ना, छोटे का मतलब होता है जो ये लेफ्ट वाले नंबर्स आते हैं, तो x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल के देखो माइनस वन के लेफ्ट में ही वो आएगी, ठीक है, तो माइनस वन के लेफ्ट में तभी नेगेटिव नंबर्स के लिए कब डिफाइन होगा, जब ये मुझे रिजल्ट दे माइनस वन दे, क्योंकि माइनस वन और वन के बीच में रहेगा, तो माइनस वन देने का मतलब है कि माइनस वन कॉमा पाई बाई टू, ये दूसरा पॉइंट मुझे मिला माइनस पाई बाई टू, तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, इस वाई का ग्राफ दिखेगा 1 के ऊपर वैल्यू है पाई बाई टू, ठीक है, ये वैल्यू पाई बाई टू है, वाई की ग्राफ बना रहा हूँ मैं एक्स के साथ जो वाई गिवन है, और माइनस वन के ऊपर वैल्यू है कितनी माइनस पाई बाई टू, ये पॉइंट। तो ये जो फंक्शन है ना, कैसा फंक्शन है ये, दो ही पॉइंट्स हैं इस फंक्शन में, यही इसकी डेफिनेशन है और कुछ नहीं इसमें। क्वेश्चन देखने में देखो कितना बड़ा डरावना क्वेश्चन है, और निकला तो सिर्फ दो पॉइंट है यहाँ पे, सिर्फ दो पॉइंट्स। अब दो पॉइंट है तो इसके लेफ्ट में भी डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होगा, राइट में भी नहीं होगा, जब है ही नहीं कुछ तो डिफाइंड कैसे होगा, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 एंड -1।
यही पूछा आपसे, तो वन और माइनस वन के ऊपर डिफरेंशियबल नहीं होगा, बाकी ऑप्शन जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। 24 तो आसान क्वेश्चन है, क्या कराना है इसमें से खुद कर सकते हैं आप, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² f - x³ ये आ जाएगा 16x³। मैंने डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कर लेते हैं डिफरेंशिएट इसको, क्योंकि डिफरेंशिएबल है। अब x की वैल्यू कितनी, 2 पुट करेंगे तो आपको f - 8 यहाँ से मिलेगा, 2 पुट करो तो आपका आई थिंक यहाँ से आंसर आएगा 16 32 3 32/3 इसका आंसर आएगा। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 25, 10x/x, तो इसकी लिमिट 10x/x की लिमिट लेफ्ट और राइट दोनों साइड ही 1 होती है ना, तो फंक्शन कैसा है यही, ये कॉन्टिन्यूस तो कम से कम है ये, इसको मैं करा के यहाँ पे बता रहा हूँ। 10x/x लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये तो 1 होता है, और यही f ऑफ कितना है 0 भी है जो क्वेश्चन में गिवन है, तो कॉन्टिन्यूस तो है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो इसका मैं राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेता हूँ, एक चेक कर लेते हैं कोई, ये कितना हो जाएगा f ऑफ 0 पे देखना है ना, तो 0 + h - f(0) डिवाइडेड बाय कितना होगा ये h आ जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 + h, अच्छा x की जगह 0 + h रखना है, तो ये 10h - h - f(0) गिवन है ना 1 है ये -1 डिवाइडेड बाय h आ गया। अब देखो जैसे ही h 0 को टेंड करेगा, h 0 को टेंड करेगा तो ये चीज 1 को टेंड करेगी, 1 - 1 / 0, अगेन 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, तो इसके आगे तो आप समझ चुके हैं कि क्या करना है, यहाँ से आप इसको एल एच रूल लगाएंगे, हाँ लगा लो एल एच रूल से एक स्टेप में उसका आंसर आ जाएगा। तो जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मुझे यहाँ से मिलता है u/v - u(v)², होता है ना डेरिवेटिव, तो क्या करते हैं h into secant square h - tan h into h का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव तो 0 और यहाँ पर h का डेरिवेटिव 1 और साथ में एक h square भी आएगा डिवीजन में, ठीक है। तो मेरे पास फाइनली बचता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 h secant square h - tan h / h², ये आगे बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 secant square h डिवाइडेड बाय h, डिवाइड कर दिया मैंने, -tan h / h². अब इसको तो वैसे ये जो सेकंड स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा इसके लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, यहीं से मैं कंक्लूड कर सकता था, चलो दिखाने के लिए मैंने डिवाइड किया। सीकेंट जो 0 है ये डायरेक्टली 1 होता है ना, और 1/0 तो ये इनफाइनाइट बन गया, नॉट डिफाइंड कुछ ऐसे आ रहा है। और एक तरीका और भी है, ऊपर सिर्फ h की एक पावर है ना, एक पावर है और डिनोमिनेटर में 2 पावर्स है, तो जो न्यूमरेटर का नंबर है वो थोड़ा छोटा आएगा ना, 0 को तो टेंड करेगा लेकिन थोड़ा छोटा 0 आएगा, और h स्क्वायर ये और छोटा 0 है, तो अल्टीमेटली एक छोटा 0 डिवाइडेड बाय बहुत छोटा 0, तो एक बहुत बड़ा नंबर इनफिनिटी अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये हुआ 0 के ऊपर जो लिमिट मैंने निकाली ये वाली वो अनडिफाइंड आई, तो डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड एट 0, है ना, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ है, नॉट डिफाइंड, तो मैं बोलूँगा कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूटी हमने चेक कर ली थी, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन तो आपको करा ही दिए, कंसेप्ट भी डिफरेंशिएबिलिटी का सिखा ही दिया है, फिर भी कुछ बचता है तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे बचता है। 21st ये नहीं कराया ना अभी, डिफरेंशिएबल है, हाँ जो मैं आपको बताने वाला था कि एक
कॉन्सेप्ट। आप ध्यान दीजिए, इन सारे क्वेश्चंस में जो यहाँ पे मैंने ग्राफ्स जितने भी बनाए, जैसे इसको ही देख लो, यहाँ पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन क्या है, पेन को मैंने उठाया नहीं ना, कंटिन्यूस तो है ये, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कॉन्टीन्यूस है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं हो तो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, लेकिन हाँ एक ऐसा फंक्शन भी देखते हैं, जैसे मान लो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये ऐसा फंक्शन, कुछ ऐसा फंक्शन जिसमें लेफ़्ट और राइट साइड से स्लोप सेम आ जाए किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो अगर स्लोप सेम है फंक्शन तो मतलब डिफरेंशिएबल है, और अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस भी पक्का होगा। तो यहाँ से जो मैंने रिजल्ट निकालना है वो ही है, लिखेंगे कुछ इस तरह से, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस आल्सो। डिफरेंशिएबल है ना तो कॉन्टिन्यूस भी हो, होगा ही होगा। इसी पॉइंट का यूज देखो क्वेश्चन में कैसे करते हैं। अच्छा ये हाँ कॉन्टिन्यूटी के ये जो केसेस थ्योरी में भी आपको मिलेंगे, आप इसको इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लेना जो मैंने आपको बताया, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हुए हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के बीच का जो रिलेशन है थ्योरी में भी आपको मिलेगा, तो ये पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, आप इनको खुद से भी पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं, समझा दी हुई हैं, आप खुद यहाँ से चेक कर सकते, पढ़ लेना, रिविज़न हो जाएगा, थ्योरी पढ़ लेना जो आपको प्रोवाइड कराई हुई है। अच्छा अब क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे थे उसके ऊपर वापस आते हैं, डिफरेंशिएबल है ना तो कॉन्टिन्यूस भी होगा है, तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी का रिलेशन चेक करता हूँ, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट साइड से जब मैं वैल्यू निकालूंगा जीरो के ऊपर, तो ई पावर जीरो वन होता है ना, ई पावर जीरो और एक्स की जगह जीरो भर देंगे तो वन प्लस जीरो आ गया, और राइट साइड से देखो कॉन्टिन्यूस है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं बनी है, तो बी इंटू जीरो माइनस वन का स्क्वायर, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई वन, बी की वैल्यू देखो एक लाइन में आ गई। अब वो डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, ए एक्स का डेरिवेटिव ए, और राइट साइड से भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, बी इंटू टू एक्स माइनस वन आ गया। अब लेफ्ट और राइट से बराबर होने चाहिए जीरो के, तो लेफ्ट साइड से इसका जो डेरिवेटिव बना ई पावर जीरो, ई पावर जीरो तो वन होगा, वन प्लस ए बन गया, और राइट साइड से ये कितना बना डेरिवेटिव, जीरो के ऊपर माइनस टू बी बन गया। अब ये दोनों आपस में बराबर भी होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएबल है ना फंक्शन, तो बी की वैल्यू भरते हैं जब माइनस वन, तो वन प्लस ए इक्वल टू माइनस टू, बी की वैल्यू मैं वन निकाल चुका हूँ, तो ए की वैल्यू यहाँ से माइनस थ्री आ गई, माइनस थ्री एंड वन, माइनस थ्री एंड वन, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने लगभग सारे ही क्वेश्चन कर लिए, अब यहाँ से बचता नहीं है कुछ भी इस चैप्टर में, इसमें तो मैंने क्लास डिस्कशन के सारे क्वेश्चन आपको करा लिए, होम असाइनमेंट में भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे अगर जैसे 34th है तो अच्छा इंटीजर टाइप है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से लैम्डा आपको निकालना है, तो वैसे ही है ना कॉन्सेप्ट, तो वही है, लिमिट निकालो, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, पहले आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा इस टर्म को, और उसके बाद फिर न्यूमरेटर में भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, दिख रहा है ये जैसे आप, हाँ ये हो जाएगा, फैक्टराइज करेंगे तो उसके बाद कैंसिलेशन हो जाएंगे, इसमें लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। फिर भी अब अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप पूछ सकते हैं, आप सबको आई थिंक हमारे यहाँ पर मिनर्वा स्टडी सर्कल के टीचर्स के नंबर भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप किसी क्वेश्चन में डाउट है तो डायरेक्टली फ़ोन पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके थैंक यू।
स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन कराया, 23 क्वेश्चन जो हमने किया, तो यहाँ पे एक्चुअली जो मैंने सॉल्व कर दिया, वन प्लस मैंने सॉल्व कर दिया साइन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एक्स के लिए। अगर आपका फंक्शन ना ऐसा है तो फिर उसका ऑप्शन ये बी आएगा जो मैंने आपको अभी आपको बताया, इस टेक्निक से जो मैंने अभी अभी आपको बताया ग्राफ वगैरह बना के। एक्चुअली ये माइंड से स्किप हो गया ना, तो सॉल्व हो गया साइन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एक्स के लिए, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए भी टेक्निक सेम रहेगी। आप ये आपके लिए खुद के लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको ट्राई कीजिए। और इसमें जस्ट रिवर्स प्रोसेस चलेगी, यहाँ पे जैसे ये ग्रेटर देन था तो हमारा लेस देन आएगा, अगर लेस देन आता है तो साइन की डोमेन ही बनेगी, ये जो अंदर की वैल्यू आएगी तो माइनस वन और वन के बीच में ही रहेगी, तो वन और माइनस वन और वन के बीच में अगर ये वैल्यूज रहती हैं तो फिर ये जो टैन वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे एक्स को टैन थीटा अगर मैं पुट करके टैन इनवर्स एक्स में करता हूँ तो वो कौन सी उसके लिए रहता है, मीन्स उसमें एक्स के ऊपर एक कंडीशन होती है ना मॉड एक्स के ऊपर कि एक से छोटा है, मॉड एक्स एक से बड़ा है, जिसके लिए साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये अगर मैं एक्स को टैन थीटा पुट करता हूँ यहाँ पर तो ये साइन टू थीटा बनेगा, मतलब यहाँ पे फिर टू टेन इनवर्स एक्स आएगा, इस तरह से कि एक्स के ऊपर एक कंडीशन होती है कब ये मतलब वैलिड रहेगा, तो उस कंडीशन का अगर आपको पता है तो आप फिर ए या सी में से आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कॉन्सेप्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये ग्राफ बनता है दो ही पॉइंट्स आते हैं, ये भी एक बार किसी IIT के एग्ज़ाम में पूछा गया था जो मैंने आपको करवा दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दूसरा था। एक्चुअली मैंने आपको एक और क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने करवाया है, तो इस दूसरे क्वेश्चन का भी आप यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।